सहारनपुर के जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले 20 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी खतरे में पड़ गई है। इन सभी को हायर सेंटर इलाज कराया जा रहा है। कल पहली बार मेरे संज्ञान में आया ये, कुछ लोग आए थे यहाँ और शिवम बंसल करके एक थे, तो उन्होंने लिखित में एक शिकायत दी मेरे को कि उनके पिता का ऑपरेशन हुआ था यहाँ 2 दिसंबर को जिला अस्पताल के अंदर, तो उसमें उनके कुछ फॉलोअप में कुछ उनकी रोशनी में प्रॉब्लम रही है, इन्फेक्शन रहा क्या है, तो उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया कहीं और। ये उनकी लिखित में शिकायत थी कि डॉक्टर ये जो लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। उसके बाद फिर आज मैंने सुबह पूरे मीडिया आप लोगों के थ्रू ये पूरा पता लगाया कि 27 लोग 28 लोग, मेरी जानकारी में नहीं है 27 28 नंबर, और जो वहाँ की अधीक्षिका हैं डॉक्टर आभा वर्मा जी, मैं उनसे मिलने गया था अभी, और वो जो डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर लाल, उनसे ही मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने पूछा उन लोगों से कि भाई क्या कारण रहा है, तो वो भी अपना कोई ऐसा नंबर नहीं है 27 28, कुछ लोगों को ज़रूर वो बता रहे थे कि प्रॉब्लम है इसमें, इन्फेक्शन की है। एक हाई लेवल की इसमें कमेटी बना दी गई है जिसमें मेडिकल कॉलेज से भी आई सर्जन लिए हैं, हमने IMA से भी एक आई सर्जन लिया है शहर का, अपने यहाँ से भी लिया है। तो ये 4-5 लोगों की एक 5 सदस्य एक टीम बनाई गई है, और एक हफ्ते के अंदर उच्च स्तरीय जांच करके वो इसकी पूरी वो रिपोर्ट से अवगत कराएंगे। जिन लोगों की आंखें बनी थी दिक्कत है, वो लोग इस समय कहाँ? ये सब लोग तो अभी तो मेरे पास तो एक ही लोग शिकायत लेके भी आए, ये सब लोग कहीं और उपचार करा रहे हैं क्योंकि यहाँ तो कोई भर्ती नहीं है। टोटल कितने लोग हैं जो आपके संज्ञान में है कि ये जांच के बाद पता लगेगा? ये तो 2 या 3 दिन लगातार, क्योंकि 29 में भी उन डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है, 2 में भी किया है, 3 में भी किया है, तो लगातार केसेस आते रहे, ऑपरेट होते रहे, कुछ लोगों के साथ दिक्कत हो गई है। थे सरकारी अस्पताल में जो मरीजों की आंखें खराब हो गई थी, उस समय मिले थे उनसे, और कार्रवाई के कहा है इन्होंने 5 दिन का टाइम दिया है कि 5 दिन के अंदर हम 5 तारीख तक कार्रवाई कर देंगे, और 5 तारीख के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू संगठन फिर अपना देख लेना क्या होगा भाई। कितने लोग हैं अगर आंखों में क्या दिक्कत? कल 27 की जानकारी थी, और जो आज जानकारी लगी है PGI चंडीगढ़ में कम से कम और ऊपर बढ़ोतरी ही है, कम नहीं है कोई, आगे बढ़ोतरी है, जो परेशान है वो बढ़ोतरी हो रही है। परिजनों से बातें, क्या क्या दिक्कत है? परिजनों का ये कहना है कि आँख से दिखना बंद हो गया, खून निकल रहा है, सूजगी है, बहुत बुरा हाल है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है। कितने दिन पहले ऑपरेशन हुआ था? 2-3 तारीख के बीच में ऑपरेशन हुए थे। तो आपने CMO साहब को क्या दिया शिकायत? कल CMO साहब को उन डॉक्टर साहब के खिलाफ लिखित में एप्लीकेशन दी गई है, इसमें जांच करवाई जाएगी। उनके द्वारा कहा गया है 6 दिन का टाइम दिया गया है 5 तारीख तक का, कि 5 तारीख तक मैं सारी चीज़ें देख के आपको स्पष्ट कर दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी, सत्य की जांच के बाद ही बता पाएंगे। सभी मरीजों की कैसी हालत है और कहां पर? हालत बहुत बुरी है, यहां पे जिला सहारनपुर के कोई अस्पताल उन्हें पकड़ नहीं रहे देखने के लिए, तो सब कोई एम्स है, आधे ज़्यादा तो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ इलाज चल रहा है, कोई एम्स है कोई दिल्ली गए हुए हैं, तो यहां तो जिले में तो कोई है ही नहीं इस टाइम। आज सुबह ही गए हैं, कल गाड़ी भरवा के मैंने भेजी है। We'll be right back.